साहेबंदी की। रक्षाबंधन के पर्व पर समस्त माताओं बहनों को और देशवासियों को बधाई हो। हमें ये पर्व एक संकेत देता है, पुरुष प्रधान देश होने के कारण यहां पुरुष प्रमुख है परिवार का, बेटी को, कन्या को, बहन को विवाह करके हम दूसरे के घर भेज देते हैं। बात वहीं खत्म नहीं है, उसके बाद भी हमारा दायित्व बनता है उसकी सुरक्षा का। तो वो बेटी बहन चली जाती है ससुराल एक बेगाने घर में, कभी कभी कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग, महत्वाकांक्षी लोग उसको वहां यंत्रणा देते हैं। यानी ये पर्व एक कर्तव्य बोध कराता है, रक्षाबंधन। चाहे तुमने मुझे विदा कर दिया, मैं नारी हूं, मेरी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा होगा। हालांकि वो ब्याह शादी के बाद ससुराल में जाकर रम जाती है, लेकिन बहुत कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं तो भी उनको यंत्रणा देते हैं। इसलिए रक्षा करना मेरी रक्षा बंधन है। इसकी महत्ता जाननी है, यह सिर्फ एक धागे की राखी बांधने का तक सीमित नहीं है, उसके प्रति तुम्हारा हमेशा कर्तव्य है। उसके प्रति आपको हमेशा कर्तव्य है। बहन के ससुराल के प्रति भी आपको ध्यान होगा। फौरन सिकंदर को मार देना था, सिकंदर की एक प्रेसी ने फौरन को राखी बांधी थी। और कहा था मेरे पति की सुरक्षा भी करना। युद्ध हुआ, उस युद्ध में सिकंदर निर्बस हुआ। पोरस भाला चलाने का युधिष्ठिर की तरह बहुत प्रवीण था। पोरस ने जब गिरे हुए सिकंदर पर भाला फेंकना चाहा, उसे ये याद आया, ओ मैंने तो उसकी प्रेयसी को वचन दिया था उसकी सुरक्षा का, नहीं मारा था। उस युद्ध में सिकंदर मरना था पक्का, कोई बचने का चांस नहीं था। पुरानी फिल्म में अभी भी आप देख सकते हैं, कॉपीराइट के कारण से कुछ चीजें हम नहीं दिखा पाते। यानी उसके बाद उसकी खैर खुर्दम, खैरियत और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भाई की बनती है। इसलिए बाप भी बाप को भी रक्षा मानते हैं, भाई को भी, और साथ में इतला देती है कि देखो विवाह करके तुमने मुझे विदा कर दिया है, मेरा विवाह करके विदा करना ही तुम्हारा कर्तव्य इतना नहीं है, आगे भी तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी है। तो ये पर्व एक तरह की सूचना देता है, इसको धागाबंदी तक सीमित न समझें। हमारे त्योहारों की भी एक प्रासंगिकता है। आप नेगेटिव नहीं हो, अगर हमेशा नेगेटिव सोचोगे तो बेकार इंसान हो जाओगे आप, दो कोड़ी के भी नहीं हो जाओगे, तुम्हारी वाणी क्रूर हो जाएगी, तुम्हारा आचरण क्रूर हो जाएगा और समाज देखेगा तुम्हें, तुम्हारी छवि कुंठित हो जाएगी। इस वाणी पर भी साहेब ने शब्द बोले हैं,
वाणी मीठी बोलिए, वाह, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। इसलिए इस पर्व को आप गहराई से लें। ये सब राखी बंधवाकर 50-100 रुपए देने वाली बात नहीं है। इस पर्व की बड़ी महत्ता है, हर पर्व की महत्ता है, उसको ध्यान रखना होगा और अपने कर्तव्य की पूर्ति उस बहन के प्रति अपनी निष्ठापूर्ण निभानी है, उसकी सुरक्षा करना। इस तरह बहन चाहे कहीं भी हैं, हर साल आकर राखी बांधती। हमें वो रक्षा सूत्र कर्तव्य बोध की तरफ इशारा करता है। हम ये देखें उसे कोई यंत्रणा तो नहीं दे रहा है, उसे संरक्षण दे, पर कैसा वो भी सुने। एक बार मेरी बहन, हम 6 भाई एक बहन थे, शादी की उसको, थोड़ा परिवार में वहाँ उसको थोड़ी दिक्कत हुई। मैंने कहा देखो एक बात ध्यान रखो, नदी नारी और महात्मा, इनकी जगह अपनी नहीं होती है, ये अपनी जगह खुद बनाते हैं। नदी बहते बहते अपना स्थान बनाती है, महात्मा अपने व्यवहार के द्वारा समाज में अपना स्थान बनाता है।